हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजन फॉर स्माइल। तो अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, और उससे पहले मैंने अपने सारे कपड़े वॉश कर दिए थे, और उसके बाद मैंने हेयर वॉश लिया। अभी मैं किचन में आई हूँ, और मेरे को बनाना है आज क्रिसमस के लिए केक, और वो फरमाइश थी मेरी बेटी की, अगेन उसके फरमाइश पे भी फिर से बनेगा केक। तो अभी ये चाय रखी हुई थी, अभी चाय बनाई है, और साथ में मैं केक बना दूंगी। वो सो के अभी जस्ट उठी है, बट उसको पता नहीं है कि मैंने केक बना दिया है। अभी मैं शुरू करती हूँ केक बनाना, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है? बाय बाय, एंड विश यू अ वेरी मैरी हैप्पी क्रिसमस। और यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव में केक का बैटर रेडी करके मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया है, और ये केक बनने से पहले इसकी आँख खुल गई और ये किचन में आके खड़ी हो गई है, और ये काफ़ी एक्साइटेड है और खुश भी लग रही थी, क्योंकि कल मैंने इसको प्रॉमिस किया था कि जब ये सो के उठेगी तो केक इसको तैयार मिलेगा। बट थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो गया और ये उठ के किचन में आ गई है। इसको एक्चुअली रूम के अंदर ही केक की थोड़ी फ्रेगनेंस आ गई थी कि हाँ किचन में केक बन रहा है, और कुछ माइक्रोवेव की साउंड आने लग गया था इसको, तो ये उठ गई। बट चलो कोई बात नहीं, काउंट डाउन शुरू हो चुका है, 3, 2, 1 एंड इट्स डन। केक जो था वो तैयार हो गया है, और ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है, और एक इसका पता नहीं क्या है, इसको इन क्लिप्स के साथ खेलना बहुत पसंद है, तो इसी के साथ लगी रहती है। और ये केक इसने लिया, खुश हो गई। आप देख सकते हैं इसके चेहरे पे कितनी खुशी दिख रही है। टेस्ट करेगी, फिर ये मुझे बताएगी कि इसको ये टेस्ट, ये केक कैसा लगा। इसको खुश देख के मेरे को बहुत खुशी होती है, और यही मेरे खुश रहने की वजह है। उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी, और अभी मैं आटा को लगा दूंगी थोड़ा सा पानी में गीला करके, मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। उसके बाद मेरे को इसके साथ कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस गीला करके इसको रख दो, और 4 से 5 मिनट के बाद इसको इकट्ठा करके रख दो। केक में कोई इसमें सॉरी आटा लगाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस पानी में इसको अच्छे से गीला करके और थोड़ी देर के लिए इसको अलग से उठाकर रख दो, तो आपको आटा लगाने के लिए काफ़ी मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। तो एक्चुअली हमारे घर में फिक्स टाइम होता है 12:30 और 1 बजे के आसपास हम खाना बनाने लग जाते हैं दोपहर का, क्योंकि हमारे ठाकुर जी है वो 12:30 बजे तक उनका खाना खा लेते हैं, तो कोशिश करते हैं 12:30 बजे से और 1 बजे के बीच में खाना उनको दे दिया जाए, इससे ज़्यादा लेट ना हो। तो आटा लगाने के बाद मैं उनको दूंगी खाना, और भोग लगा के उसके बाद ही हम सब खाना खाएंगे। तो ये है हमारे लड्डू गोपाल की थाली, इसमें है ड्राई फ्रूट्स, 2 रोटी और दही, केक और थोड़ा सा गर्म पानी, क्योंकि सर्दी हो रही है और उनको ज़्यादा ठंडा पानी मैं दे नहीं सकती। अब ठंडा पानी पिएगा और मेरा लड्डू बीमार हो जाएगा, तो इससे अच्छा उसको मैं थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी करके मैं दे दूँ। तो अभी देखिए आप मेरे लड्डू गोपाल को, ये देखिए कितना प्यारा लगेगा आपको, इतना सुंदर सा छोटू सा। और आज इसने क्रिसमस पे दोनों ने बिल्कुल सेम कलर के कपड़े पहने हैं, वाइट कैप लगाई हुई है, और ये बहुत ही क्यूट सा बच्चा लग रहा है, बहुत प्यारा सा है। तो ये हमारे घर के सबसे फेवरेट, सबसे बड़े मेंबर है, और जब तक ये खाना नहीं खाएंगे हम लोग खाना नहीं खाएंगे। तो अब शुरू हो जाता है दोपहर को पिज़्ज़ा बनाने का काम, और जब तक ये पिज़्ज़ा बनाऊँगी ये मेरे साथ खड़ी रहेगी, और ये पिज़्ज़ा बनाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। हेल्प कराना है तो इसका हमेशा से शुरू से काम रहा है, मैं जब तक किचन में रहती हूँ मैं काम करती रहती हूँ, हमेशा मेरे साइड में खड़ी रहती है। तो अभी बनाने जा रहे हैं हम पिज़्ज़ा, और मैंने पिज़्ज़ा बेस को मैंने थोड़ा सा गर्म करके थोड़ा सा सेक कर, उसके बाद मैं सारा कुछ इस पर चीज़ वगैरह को स्प्रेड करके, और फिर मैं माइक्रोवेव में रख दूँगी, और ये पिज़्ज़ा थोड़ी टाइम में तैयार हो जाएगा। मैंने पहले पिज़्ज़ा को मैंने माइक्रोवेव में रखा हुआ है, और उसके बाद मैं दूसरा पिज़्ज़ा बेस को मैं अच्छे से उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस और चीज़ को स्प्रेड करके मैं उसके ऊपर कुछ अनियन और टमेटोज को स्प्रिंकल कर दूंगी। उसके बाद अब तक वो पिज़्ज़ा रेडी होता है, और इसकी बातें सुनती रहती हूँ, और ये
सारी बातें जो भी इसके साथ होती रहती है, जो भी ये देखती है टीवी में क्या आ रहा है, कुछ सिंचन की स्टोरीज और डोरेमोन की बातें बताती रहती हूँ, मैं सुनती रहती हूँ। और इसी तरीके से मेरा टाइम अच्छे से इसके साथ में बोरियत नहीं होती। खाना बनाते टाइम, कुकिंग करते टाइम बस ये है कि इसकी बातें सुनते रहो और अपना किचन का काम करते रहो। यही मेरा शाम का और सुबह का रूटीन होता है कि ये जब तक किचन में नहीं रहती मेरा कोई काम कंप्लीट ही नहीं हो पाता। तो बस दोनों की यही लाइफ हो गई है, किचन में रहो, आपस में बातें शेयर करो, इसकी बातें सुनो। और ये टाइम अच्छा होता है पेरेंट्स को अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करने का, उनकी बातें सुनने का, और उनको भी ये नहीं लगेगा कि पेरेंट्स उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, उनसे बातें नहीं करते। तो कोशिश करें अगर बच्चे आपके साथ ऐसे इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो उनको अपने साथ इन्वॉल्व रखें इन कामों में। तो पिज़्ज़ा बस बनने वाला है, तब तक के लिए आप वीडियो एंजॉय कीजिए और मैं अपने पिज़्ज़ा को माइक्रोवेव से बाहर निकाल लेती हूँ। तो अभी बजे हैं शाम के 7 और अब आ गए हैं हम बाहर घूमने के लिए। एक्चुअली ये सुबह से पूछ रहे थे कि क्या मम्मा हम बाहर घूमने जाएंगे, तो मैंने इसको बता दिया था कि हम शाम को इसको लेके चलेंगे। तो वैसे भी अच्छा लगता है क्रिसमस पे या कोई भी कोई अगर फेस्टिवल आता है तो मार्केट में वैसे भी इतनी लाइटिंग होती है और डेकोरेशन काफ़ी अच्छी रहती है, तो अच्छा लगता है बाहर थोड़ा घूमना। तो मैं इसको यहाँ पर लेके आई और यहाँ की डेकोरेशन काफ़ी अच्छी थी और बहुत ही सुंदर ये जगह लग रही थी। और इसको तो बस ये क्रिसमस ट्री अच्छा लग रहा था। एक्चुअली इसको ये लगा कि ये रियल स्नो है, बट जब इसने इसको टच किया तो कहती है कि मम्मा ये तो कॉटन है। तो ये इसको बहुत प्यारा लग रहा था। और ज़्यादा अंदर मैं इसको यहाँ पर लेकर नहीं गई क्योंकि फेस्टिवल है और क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा सेफ भी नहीं है। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर हमने इन्जॉय किया, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए और उसके बाद हम आ गए थे जनकपुरी। और यहाँ जनकपुरी की मेन मार्केट है और यहाँ का स्ट्रीट फूड काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पे। तो मुझे बस यहाँ पर सरदार जी की चाप खाना अच्छा लगता है और ये काफ़ी अच्छे बनाते हैं सरदार जी, जो अभी अपने तंदूर में चाप वगैरह लगा रहे थे तो ये इसके पास लेने के लिए खड़े हुए थे। और ये खड़ी हुई है रिति शाह कैप लगा के, मास्क पहन के और कुछ फनी फेसेस बना के, ये बहुत प्यारी लगती है और बाहर जब ऐसे शैतानियां करती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।